एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कुछ इस तरह की घटना हुई है जबलपुर में, जहां एक मरीज के परिजनों ने पहले तो इलाज करवाया और फिर इलाज के रुपए न देने पड़े तो चोरी छिपे पीछे वाले गेट से भाग निकले। जैसे ही यह खबर अस्पताल प्रबंधन को लगी तो उन्होंने अस्पताल के पास ही भागते हुए मरीज और उनके परिजनों को पकड़ा। इस दौरान विवाद हुआ और फिर पुलिस मौके पर आई तो वहीं नेता भी पहुंच गए। मजबूरन दबाववश अस्पताल प्रबंधन को बिना रुपए लिए ही मरीज को छोड़ना पड़ा। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस को दोनों पक्ष ने दर्ज करवाई शिकायत। नेता क्यों पहुंचे अस्पताल, बड़ा विषय। परिजन अस्पताल प्रबंधन के बीच हुए विवाद पर ओंती थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर जांच शुरू ही की थी कि उसी दौरान सत्ताधारी पार्टी के नेता अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचते हैं और नेताओं द्वारा परिजनों को थाने ले जाकर उनसे शिकायत कराकर बीजेपी के नेता फिर समझौते में अस्पताल प्रबंधन पर दबाव डालकर 80,000 रुपए परिजनों को दिलवाते हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश कुशवाहा द्वारा आरोप लगाया गया कि बीजेपी नेताओं के दबाव में 80,000 रुपए दिए गए। वहीं जब परिजन दमोह पहुंचे तो वहां से दमोह के पथरिया विधायक रामबाई का फोन आया और कहा गया कि मरीज के परिजनों को सिर्फ 17,000 रुपए लौटाए गए। मरीज के परिजनों को 25,000 और लौटाएं वरना FIR दर्ज की जाएगी। जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनके द्वारा बीजेपी नेताओं के सामने दबाववश 80,000 रुपए परिजनों को दिए गए। अब इसमें या तो बीच के बिचौलिए रुपए खा गए या परिजन झूठ बोल रहे हैं। थाने के बाद जब मेरे को यहाँ से ले गई पुलिस, मतलब बुला के TI साहब ने बुलाया, मैं बैठा रहा अंदर, उनने भी अच्छे से बात की, बयान लिए, फिर उनने नेताओं के दबाव में उन्होंने आके मेरे से बोला तो मैंने, भाई आपको जोक बनाना केस बना दो। उसके बाद से चुपचाप से किसी ने मेरे डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया, डायरेक्टर साहब आए, उनको मेरे से मिलने नहीं दिया गया, थाने के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसके बाद 80,000 रुपये हमारे डायरेक्टर साहब से ले जाके, ये भाई नहीं दोगे तो ST लगा देंगे, ये लगा देंगे, तो हमने बोला किस बात का ST लगा देंगे। ये किनके द्वारा बोला जा रहा था? ये जो नेता लोग थे उनके द्वारा बोला। कौन नेता थे आप जानते हैं? नाम तो नहीं मालूम, BJP नेता थे, तो उसमें ये सब हुआ। तो क्या वो अस्पताल में भी आए थे? हॉस्पिटल में वो नहीं आए थे, हॉस्पिटल में नहीं आए थे, मतलब अंदर नहीं आए थे, अंदर नहीं आए थे, बाहर थे, बाहर थे। अब मैंने देखा नहीं, मैं तो यहाँ बैठा, तो यहाँ से दिखता नहीं है तो मैं देख नहीं सकता हूँ। और फिर वहाँ से जब गए हैं तो वहाँ बहुत भीड़ लगी रही, सब लोग थे, तो मेरे को बोले पुलिस वाले, बोले आप भीड़ है, आप अंदर चले जाओ, आपके साथ कुछ हानि ना कर दें या चोट ना कर दें, इसलिए मैं अंदर बैठ गया। उसके बाद ये 80,000 दिया गया। उसके बाद रामबाई विधायक जो दमो पथरिया की हैं, उनका फ़ोन आया मेरे पास, जे आपने इनको जो पैसा दिया इनको मिला नहीं है, और 20,000 दिए उसमें भी इनको 17,000 मिला, 3,000 जो उसने ऑटो में बैठा है उसने ले लिया। हमने बोला दीदी देखिए ऐसा है, जो हमने तो 80,000 दिया है वहाँ पे, और नेताओं के सामने ही दिया है, मरीज के परिजन को और नेताओं के कहने पे दिया है, मगर अब वहाँ से फोन आना, यहाँ से फोन आना, मानसिक दवा हमारे और हमारे डायरेक्टर साहब। ये जो पैसा आपने दिया है किस चीज का दिया है? मतलब ये उन्होंने ये बोले जब मरीज की आर्थिक स्थिति खराब है तो उसकी कुछ सहायता करें। चलो हमने बोला ठीक है, इसमें भी है, तो हमारे डायरेक्टर साहब, मेरे को तो मालूम नहीं था, मैंने तो मना किया था सर बिल्कुल मत दें पैसा, फिर भी उन्होंने बोला चलो ऐसी बात है नेता के दवाओं में, तो उन्होंने दे दिया पैसा, चलो कोई बात नहीं हटाओ। उसके बाद जब वहाँ से एक मरीज वहाँ पहुँचा है तो पथरिया में विधायक रामबाई ने बोला है कि भाई उन्होंने बोला है कि हमको पैसा इनको नहीं मिला है और आप मेरे को 25,000 रुपये आप इनको दिलवाएं। तो क्या क्या हो गया था मरीज को और क्या नाम है मरीज का? नाम है नरेश अहिरवार है। उसका क्रेशर में हाथ बहुत बुरी तरीके से कट गया था, कटे ही हुआ आया था, तो उसको पॉइजन ना फैले आगे, तो उसके परिजन जल्दबाजी करके उन्होंने 80,000 में बात हुई तो उन्होंने बोला साहब 70,000 लेंगे। तो मैंने अपने साहब से, डायरेक्टर साहब से बात करवाया तो उन्होंने ठीक है 70,000 में, तो उनने हमारे पास 20,000 रुपये जमा किया और मैंने खुद अपने हाथ से रसीद उनको काट के दी हुई है 20,000 की। उसके बाद उनने कुछ नहीं बोला, बोले साहब दूसरे दिन आ जाएगा, तीसरे दिन आ जाएगा, वो 8-10 जन थे, तो हमने बोला गाँव के हैं आ जाएंगे पैसे, हम लोगों ने बोला जैसे जनरली सभी मरीज करते हैं, जैसे साहब ये पैसा कर दो, आप चालू कर दो, जहर ना फैले। उनके कंसल्ट लिए गए OT में, फिर उनको बुला के हाथ भी दिखाया गया, बोले साहब हमने देखा है ये, वहाँ से हम ही लोग बांध के लाए हैं, आप करिए हमें संभालेगा। उसके बाद फिर जब पैसा ले लिया गया तो रामबाई जो विधायक जी हैं उन्होंने बोला जे भाई जे इनको पैसा नहीं मिला है तो आप 25,000 और इनको दिलाएं। तो मैंने कहा दीदी मैं कहाँ से दिलाऊंगा? क्या लगता है कि ये पैसा जो आपने 80,000 ये बीच के जो बिचौलिए थे या तो वो ले लिए या मरीज के परिजन झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं वहाँ पे,
हमने भाई हमें तो ये भी नहीं मालूम हमारे डॉक्टर से कब लेके दे दिया गया है। तो क्या अभी भी ऐसा कोई दबाव आ रहा है जो आप बता रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से? अभी भी यहाँ वहाँ से फोन आ रहे हैं जे भाई, जैसे अभी राम भाई का ही फोन आया विधायक जी का कल, जे भाई आप उनको इतना पैसा दीजिए नहीं तो हम FIR कर डालेंगे। कई नेता बोल रहे हैं अगर हम नहीं होते तो आपको ये कर देते, ST एक्ट लगा देते, आपका जीवन खराब हो जाता। तो भैया देखिए मैं तो एक वैसे आश्वस्त इंसान हूँ। किस किस पार्टी के थे ये नेता जो बार बार आप लोग? ये बीजेपी और राम भाई मेरे को नहीं मालूम कौन सी पार्टी की है वो, और आए थे। तो जब ये दबाव बन रहा है तो क्या आपने इसके तरफ से कोई शिकायत की? मैंने थाने में कल भी जाके मैंने आवेदन दिया, वो दिन भी बोला TI साहब ने, TI साहब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमारा, बोले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा निष्पक्ष जांच होगी, और जो ये मामला है कोई पेशेंट भग जाएगा तो उसको आदमी पकड़ के तो लाएगा ही। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी मैं ये चाह रहा हूँ मेरे पर जो मानसिक दबाव आ रहा है वो ना आए, अगर और मेरे पैसे अगर वापस मिल जाए तो मैंने 20,000 तनख्वाह पाने वाला मैंने किस मुश्किल से अब पेमेंट से कटवाऊंगा और बच्चे कैसे पालूंगा, मैं तो ये खुद सोच कर टेंशन में हूँ। मेरे घर वाले पूरे परेशान हैं जो मेरे को कुछ हो ना जाए। मेरा चंद्र प्रकाश कुशवाहा। हाँ, सर्वोदय अस्पताल के मैनेजर चंद्र प्रकाश कुशवाहा ने लिखित आवेदन दिया है कि उनके अस्पताल में नरेंद्र अहिरवार जो है इलाज कराने के लिए आए थे और उनके द्वारा तथा उनके परिजनों के द्वारा जो है अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। अभी इसकी लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी जांच की जा रही है। इसमें आरोप ये भी लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन की कुछ बीजेपी नेताओं के दबाव में चल के कुछ पैसे वापस किए गए। इसके संबंध में तो अभी जानकारी नहीं है, जांच की जा रही है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे फिर उस तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।